देखिए, जब वो फिल्म लाइन में आई थी तो एक अपने साथ एक टैग लेके आई थी मिस वर्ल्ड का, और एक मैं कहूँगा उसके चेहरे पर एक जादुई करिश्मा था, वो जो हर मेकर को अट्रैक्ट कर रहा था कि ऐसे मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागी कि मैं काम करना चाहता हूँ इसके साथ। तो जब मेरे पास ये सब्जेक्ट आया 2.5 अक्षर प्रेम के, तो मैंने उसको अप्रोच किया, और क्योंकि मुझे उसकी उसका जो वे ऑफ एक्टिंग था, जो उसकी पहली फिल्म थी और प्यार हो गया विद बॉबी देओल, उसी में पसंद आ गया था। एक कंप्लीट हीरोइन का जो स्ट्रक्चर था, जैसे हम इसमें, तो एक प्रॉपर वो शेप थी, स्टिक फेस था, जो बहुत कुछ कहता था कि एक जैसे हम डायरेक्टर लोग जैसे पेंटर की तरह होते कि इसमें क्या पेंट कर सकते हैं। तो जब मैंने ये फिल्म शुरू की तो मैंने उसको अप्रोच किया, एंड यहाँ से शुरुआत Do you हुई। face any difficulty आप जब काम कर रहे थे उनके साथ इस मामले में कोई? नहीं, उसको शुरू से ही मालूम था कि उसको मालूम था उसका गोल क्या है। जैसे कई बार हमारा इंटरेक्शन उसके साथ बातों में हुआ, ऐश्वर्या के साथ मेरा, तो उसको जब मिस वर्ल्ड का भी था तो उसको मालूम था मेरा गोल क्या है। जैसे उसने स्टेप इन किया है इंडस्ट्री में, तो उसको मालूम था कि उसको नंबर 1 तक पहुंचना है और उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी है। एंड उसके अंदर एक कंप्लीट एक्ट्रेस है जो मैंने फील किया, बस जब नॉक करने की देर होती है उसको। आप उनको डायरेक्ट या रोहिण, तो क्या आप उनको एक डायरेक्टर्स एक्ट्रेस कहेंगे? बिल्कुल डायरेक्टर की एक्ट्रेस है वो, उससे आप जितना अच्छा काम चाहे निकलवा सकते हैं। और द एफर्ट दैट इम्पोर्टेंट टू मतलब स्पेशली उनके साथ काम करने में इज देयर एनीथिंग दैट यू नो हाउ डू यू वर्क विद हर? उसके अंदर एक अजीब किस्म का एक बच्चा है, आपको उस बच्चे को पैम्पर करने की देर है, बस वो फिर शुरू हो जाता है। एंड मैंने देखा है कि वो रिश्तों में बिलीव करती है, तो और जहाँ वो काम करती है अपना समझ के करती है, काम को बहुत इज्जत देती है, टाइमिंग को बहुत इज्जत देती है। कई बार मैंने चेक किया उसको, क्या अर्ली मॉर्निंग है, अगर उसको बोला है कि 5 बजे रेडी होना है तो वो 5 बजे रेडी है, कि उसका एक सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी और वर्क के प्रति जो होता है ना, एक उसकी भावना जो है कि वो बहुत अच्छी है, ऑनेस्ट बहुत है, दिल की बहुत ऑनेस्ट है, कि उसको मालूम कि और सबसे अच्छा क्या रहता है कि कोई एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के अंदर अगर ऑनेस्टी है, वो रिफ्लेक्ट करती है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। आपने अभिषेक और ऐश्वर्या को एक साथ कास्ट किया था ना? डिड यू सी दैट केमिस्ट्री इवन यू नो बिफोर एवरीथिंग हैपेंड आपको वो केमिस्ट्री नज़र आई थी इसलिए आपने कास्ट किया था? नहीं, जब काम कर रहे थे तब कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बट कहते ना, जिनको मिलना है खुदा उनको मिला देता है, तो शायद डेस्टिनी ने सोचा था कि मेरी फिल्म से ही उनको मिलना था, एक दूसरे को समझना था। वो कब एक दूसरे को समझने लगे और कब 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने लगे, मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, तो मैं मगन था फिल्म बनाने में। बट जो होता है अच्छा ही होता है। आज उन्होंने उस रिश्ते को एक नाम दिया, दोनों ने एक साथ शादी की और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत की, और मैं प्रे करूँगा ऑल द बेस्ट उन दोनों के लिए। उनकी एक और परफॉर्मेंस थी हम दिल दे चुके सनम जो बहुत ही सराहनीय। आप एज अ व्यूअर यू सीन हर परफॉर्म व्हाट इज द स्पेशल अबाउट हर व्हाट सेंसिटिविटी ऑफ दैट परफॉर्मेंस उसकी जो थी, उसने वो जो अंडरकरंट उसने अपने लेयरिंग रखी थी परफॉर्मेंस के अंदर, दैट वाज द गुड गुड, मतलब कि बहुत कम कलाकार जानते उस चीज़ को निभाना जो उसने निभाया, हैट्स ऑफ हर। इस फिल्म में द हर पेयरिंग विद सलमान आल्सो देयर केमिस्ट्री आल्सो हेल्प्ड इस फिल्म को मतलब वो परफॉर्मेंस देने में। मैंने उसके साथ जितना भी वक्त गुजारा है और फिल्मों के जरिए मैं देखा, वो जब वो करेक्टर करती तो वो करेक्टर समझ के करती है, वो ये समझ के नहीं करती कि मैं ऐश्वर्या राय प्ले कर रही हूँ। अगर वो करेक्टर का नाम सुमिता है तो सुमित्रा प्ले कर रही है, वो उस टाइम सुमित्रा हो जाती है। अगर उस करेक्टर का नाम विमला है तो विमला हो जाती है। अगर उस करेक्टर का नाम माधुरी है तो वो माधुरी हो जाती है। तो वो करेक्टर प्ले करती है। तो और क्या है कि अदर आर्टिस्ट के साथ रिलेशन वो क्या इजी कर देता आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के अंदर। सॉरी, Which also reflects in her बिल्कुल बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता स्क्रीन के ऊपर। एक और फिल्म आई थी जो इसी टाइम पे दैट वाज ताल
which was kind of like a एक सिंड्रेला स्टोरी जैसा था एंड वेरी मच लाइक हर ऑल्सो यू नो जो वो अपनी खुद की एक सिंड्रेला स्टोरी है उसकी हर परफॉर्मेंस इन ताल एंड गुड डांस्ड वेरी वेल वेरी गुड एक्सप्लॉइट अच्छा किया था उस बाजी ने उसको फिल्म के अंदर उसके थ्रू म्यूजिक उसको एक जो पेप मिला था उस कैरेक्टर को कि एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट है जो आगे कैसे अचीव करती है अपने रास्तों को फेलियर होने के बावजूद भी लव फेलियर होने के बावजूद भी एंड म्यूजिक बहुत अच्छा था उस फिल्म का जिसने बहुत हेल्प किया उसकी परफॉर्मेंस के लिए भी ओ सुपर्ब सुपर्ब बहुत अच्छी है एंड मुझे याद है वो मैं अक्सर देखता था जब सरोज खान उसको मेरे सेट पे स्टेप समझाती थी तो मैं अक्सर देखता था कि वो कैसे ऑब्जर्व कर रही है स्टेप्स को और वो कोशिश करती कि जैसे सरोज जी ने किया मैं उसके नज़दीक पहुंचूं और कई बार तो वो आगे निकल जाती थी और मैं बोलता बहुत अच्छा किया कहती नहीं 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 इन मास्टर जी से अच्छा नहीं कर सकती जो सीखने की लगन है ना उसके अंदर एक स्टूडेंट वाली भावना वो बहुत अच्छा है उसके लिए